यहाँ पर गोल्डन आइलैंड का देखो बोर्ड लगा हुआ है। ये पोजीशन देख लीजिए भाई, ये जगह देख लीजिए, यहाँ से जाना है आप लोग को। तो ये है गोल्डन आइलैंड का जो है गेट। क्या किलोमीटर बचे भाई यहाँ से? आधा किलोमीटर। पैसा उसे लगी कतका रुपया गाड़ी के? और आदमी उदमी की नहीं लगे ना? आइलैंड मुझे मिला है, देख पा रहे हो क्या सुंदर है। ये पूरा डैम है भाई, बहुत बड़ा है भाई, बहुत बड़ा है। पूरा कोरबा जिला का बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन टूरिस्ट प्लेस में से ये भी एक आता है। 70 रुपये चार्जेस है भाई एक जन के? 50 रुपये। और पूरी ही मेरे भाई घुमाऊँ एक राउंड? मेरे पीछे। तो अब यहाँ पर हम लोग निकलने वाले हैं गोल्डन आइलैंड के लिए, जैसे कि दिखाने वाला हूँ मैं। यहाँ पर काफ़ी खूबसूरत सा व्यू आता है भाई, शाम के समय तो और ज़्यादा बेहतरीन रहता है। तो चलिए दोस्तों दिखाते हैं आप लोगों को, आगे बढ़ते हैं गोल्डन आइलैंड से। यहाँ से लगभग 11 किलोमीटर की दूरी दिखा रही, लेकिन ये 9 किलोमीटर की दूरी है जहाँ तक बता रहे हैं। तो देखते हैं कितना किलोमीटर एक्चुअली में है, कैसे है क्या है। और कार यहाँ पर आए जा रहे हैं भाई लगातार, देख पा रहे हो। चलो अपन भी चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। इधर लिखा हुआ है ये देखिए गोल्डन आइलैंड लिखा हुआ है, ये देखिए यहाँ पर गोल्डन आइलैंड का देखो बोर्ड लगा हुआ है। ये देखिए गोल्डन आइलैंड करके लिखा हुआ है, और केंदई में है ये चीज़। अंबिकापुर रोड है और ये कटघोरा, और यहाँ पर गोल्डन आइलैंड करके लिखा हुआ है। कटघोरा वन मंडल के तहत आता है ये। तो ये पोजीशन देख लीजिए भाई, ये जगह देख लीजिए, यहाँ से जाना है आप लोग को। तो दोस्तों यहाँ पर है वन व्यू आप लोग का, और यहाँ पर जहाँ तक मेरे को लगता है कि कुछ फीस वीस लेंगे, बुगारा भाटा गोल्डन आइलैंड छत्तीसगढ़ शासन। पूछ के आता हूँ 70 रुपये लगेगा क्या? लगेगा पैसा नहीं था। तो ये है गोल्डन आइलैंड का जो है गेट। क्या किलोमीटर बचे भाई यहाँ से? आधा किलोमीटर। पैसा उसे लगी कतका रुपया गाड़ी के? और आदमी उदमी की नहीं लगे ना? कहाँ है टिकट कौन काटी आप? 50 रुपये ओनली फॉर कार? हाँ बस तो नहीं है, रोड में मिली काट दें भाई एक तो। 50 रुपये का टिकट कटाते हैं बढ़िया से, और यहाँ से निकलते हैं। गाँव वाले मन के नहीं लगाए ना यार? थोड़ा दूर पक्का बना दीस भाई, ताल फिर कच्चा से रोड है पूरा, देखा तो थोड़ा से थोड़ा सा और पक्का मिल जाएगा बोल रहा हूँ भैया। यहाँ से थोड़ा सा आगे में कच्चा है, खत्म है सुंदर सा है आगे। तो दोस्तों गोल्डन आइलैंड में ब्राउन कलर का जैकेट मार के मैं भी पहुंच चुका हूँ। देख पा रहे हो क्या जबरदस्त, यहाँ पर मछली पकड़ सकते हैं, मछली पकड़ने के लिए जालियाँ लगी हुई है। और बस में क्या बजा रहे भाई, भोपू 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 कर रहे हैं। तो व्यू एकदम शानदार है, एकदम गजब है भाई, बहुत जंगले जंगल आए हैं। और काफ़ी दूर आने के बाद गोल्डन आइलैंड मुझे मिला है, देख पा रहे हो क्या सुंदर है। ये पूरा डैम है भाई, बहुत बड़ा है भाई, बहुत बड़ा है। पूरा कोरबा जिला का बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन टूरिस्ट प्लेस में से ये भी एक आता है गोल्डन आइलैंड करके। तो बस इसको देख रहे हैं, यहाँ पर रिजॉर्ट भी है जहाँ तक ऊपर जाके आप लोग रुक रुक सकते हो। और पूरे एक बस आए यात्री भाई, यहाँ पे दिख रहा है कई लोग आए हुए हैं यहाँ पर पिकनिक स्पॉट में, पिकनिक मनाने के लिए। यहाँ पर देख रहे हो बस वगैरह सब चीज़ खड़ी हुई है।
ये देखो सब घूम घूम के आ रहे हैं दोस्तों, है ना। और यहाँ पे बोटिंग चल रहा है, वहाँ पे जा रहे हैं अपन। और मैं भैया विकास जी और मैं बैठे हैं, बाकी लोग तो जी भाई चले गए पैदल पैदल, जाने तो कोई बात नहीं है। ये हमारे साथ आए हुए हैं ऐसी, वो पीछे पीछे आएंगे बस। ये पूरी लोकेशन है भाई, देख पा रहे हो, यहाँ पर भी पिकनिक मना रहे हैं, कोई लोग नहा रहे हैं, धो रहे हैं। यहाँ पर है नाव, बोटिंग एरिया है, और देख पा रहे हो क्या ज़बरदस्त ये कार रख दिए हैं। और कार तो पूरी लाइन से आ रही है भाई, बहुत सारी। और देखते हैं, नाव के पास जा रहा हूँ मैं देखने के लिए, उधर सामने की ओर। नाव का चार्जेस ज़्यादा नहीं होगा, 50-100 रुपये होगा पर पर्सन के हिसाब से यहाँ पर। और भैया लोग आ रहे हैं पीछे में मेरे, मैं भी अकेले जा रहा हूँ देखने के लिए। बट बहुत सुंदर है भाई गोल्डन आइलैंड, जो कि कोरबा ज़िले के अंतर्गत है, जो अंबिकापुर रोड में है। जैसे आपको रोड में दिख जाएगा गोल्डन आइलैंड करके, बहुत बड़ा बोर्ड लगा हुआ है, बहुत बड़ा गेट बना हुआ है, तो वहाँ से देख लोगे। और यहाँ पे मछली बिक रहा है भाई, मछली बेच रहे हैं इन लोग। तुरंत दिखाता हूँ मैं आप लोग को, सेल्फी स्टिक है मेरे पास, वो भी संधू भैया का। बढ़िया लग रहा हूँ ना मैं, जो क्या बेहतरीन नज़ारे है भाई। और यहाँ पर राहुल भी मेसी भी बड़ा सेल्फी स्टिक लेकर आए हुए हैं, वो तो और ज़बरदस्त व्यू ले रहे हैं भाई अपने फ़ोन से। ये बड़ी बड़ी नाव है भाई, देखो बड़ी बड़ी नाव लगी हुई है यहाँ पे। ये भी है इसमें है, ये देखो नाव में पानी भर रहे हैं इन लोग का, पूरा पानी भर गया इन लोग भी, पानी फेंक रहे हैं भाई। देखो 70 रुपये चार्जेस है भाई एक जन के, 50 रुपये। और पूरी ही मेरे भाई घुमाऊँ एक राउंड। तो दोस्तों कम से कम 1.5-2 लाख फ़ोटो खिंचाने के बाद यहाँ पर गोल्डन आइलैंड से निकलने की प्लानिंग है। और चलिए दोस्तों इस ब्लॉग को यहीं पर एंड करते हैं। वीडियो पसंद आए होगी तो लाइक से कमेंट करना, चैनल पर नया तो सब्सक्राइब कर लो ताकि नई नई वीडियो का अपडेट आप तक पहुँच सके। दोस्तों देख पा रहे हो लास्ट बार गोल्डन आइलैंड, देख लो एक बार, घुमा देता हूँ पूरे चारों तरफ, क्या ही बेहतरीन जगह है। आप भी आइए, कोरबा जिले के सबसे बेस्ट पिकनिक स्पॉट में से एक है। तो बाय 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 बाय, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग, तब तक के लिए बने रहें। राम राम, जय जोहर, जय छत्तीसगढ़।